हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आगे बढ़ने से पहले गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 26 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, भारत पर्व 2019 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत पर्व 2019 का आयोजन दिल्ली के लाल किले पर 26 से 31 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत कितनेवां गणतंत्र दिवस मना रहा है? दोस्तों, भारत इस वर्ष 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रश्न नंबर 3, गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष देश की संस्कृति को दिखाने वाली झांकियों के साथ भारतीय सेना अपनी शक्ति प्रदर्शन की प्रस्तुति कहाँ पर करती है? दोस्तों, हर वर्ष भारतीय सेना अपने शक्ति प्रदर्शन की प्रस्तुति राजपथ पर करती है, जो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के 70वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? दोस्तों, भारत के 70वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। सिरिल रामाफोसा। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा के कटक के रहने वाले डी प्रकाश राव, जो कि 67 सालों से चाय बेचकर उन्हें जो पैसा मिलता रहा है उसका बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगा देते हैं, को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा 26 जनवरी को की गई है? उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसकी घोषणा 26 जनवरी को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, पद्मश्री से सम्मानित त्रिवेणी धाम के किस संत का 94 साल की आयु में निधन हो गया है? आंसर है शिरोमणि संत शिरोमणि पद्मश्री नारायण दास जी महाराज का निधन 94 साल की आयु में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, देश के दूसरे उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया है? दोस्तों, पद्म विभूषण से इलैया राजा, गुलाम मुस्तफा खान और परमेश्वर परमेश्वर को घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, इस साल कुल कितने लोगों को पद्म सम्मान से नवाजा जाएगा? कुल 112 लोगों को पद्म सम्मान दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 9, 18 नवंबर 2017 में जम्मू कश्मीर में आतंकियों को धूल चटाने वाले भारतीय वायुसेना के जवान गरुड़ कमांडो JP निराला को मरणोपरांत 70वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किस चक्र से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, JP निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि उनकी पत्नी और माँ को राष्ट्रपति ने अशोक चक्र प्रदान किया। प्रश्न संख्या 10, भारतीय वायुसेना को पहला अशोक चक्र किसने दिलाया था? दोस्तों, भारतीय वायुसेना को पहला अशोक चक्र 1971 में राकेश शर्मा ने दिलाया था। प्रश्न संख्या 11, भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार किस गरुण कमांडो को अशोक चक्र से नवाजा गया है? 70वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मरणोपरांत JP निराला को पहली बार भारतीय वायुसेना की गरुण कमांडो को अशोक चक्र से नवाजा गया है। प्रश्न संख्या 12, 70वें गणतंत्र दिवस पर कहां पर आतंकी हमले किए गए? तो दोस्तों, कश्मीर घाटी के पुलवामा के पंपोर और खानमो इलाकों में SOG और CRPF कैंपों पर आतंकवादी हमले किए गए 26 जनवरी 2019 को 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। प्रश्न संख्या 13, 70वें गणतंत्र दिवस पर कुल कितने लोगों को
श्री सम्मान से नवाजा गया। दोस्तों कुल 94 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया 17वें गणतंत्र दिवस पर। विजेताओं में 21 महिलाएं हैं, 11 लोगों को विदेशी NRI PIO OCI कैटेगरी में, जबकि 3 को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। साथ ही एक ट्रांसजेंडर को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। 26 जनवरी 2019 को स्विस कोर्ट के मुताबिक विजय माल्या के नाम किन 4 अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है? दोस्तों एक विजय माल्या के नाम से अकाउंट है, 3 अन्य ड्राइटन रिसोर्सेज, ब्लैक फॉरेस्ट होल्डिंग्स और हैरिसन फाइनेंस कंपनियों के नाम से अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15। मलेशिया ने चीन के समर्थन की अरबों डॉलर की किस रेल परियोजना को बंद कर दिया? दोस्तों हाल ही में मलेशिया ने चीन समर्थित अरबों डॉलर की रेल परियोजना, जो कि पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ने वाली 19.6 अरब डॉलर यानी 81 अरब रिंगिट की पूर्वी तटीय लिंक रेल ECRL योजना को बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16। गणतंत्र दिवस के मौके पर ITBP के जवानों ने लद्दाख में -30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितनी ऊंचाई पर तिरंगा लहराया? दोस्तों ITBP के जवानों ने -30 डिग्री टेम्परेचर पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया था लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 17। प्रदेश की नव नियुक्त कमलनाथ सरकार यानी मध्य प्रदेश की नव नियुक्त कमलनाथ सरकार ने में कौन कैबिनेट मंत्री गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अपना भाषण नहीं पढ़ पाई? तो जिला कलेक्ट्रेट ने भाषण को पढ़ा था। तो दोस्तों उन मंत्री का कैबिनेट मंत्री का नाम है इमरती देवी, जो अपना भाषण नहीं पढ़ पाई थी 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर। क्वेश्चन नंबर 18। विराट कोहली ने वनडे मैचों में 1242 रन 21 मैचों में पूरे करके विश्व के कौन से क्रिकेटर बने? तो दोस्तों हाल ही में विराट कोहली दूसरे नंबर के वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेटर बन गए हैं। अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से आगे हैं, जिन्होंने 42 मैचों में 1750 रन बनाए हैं वनडे मैचों के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 19। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद वेनेजुएला में मादुरो को हटाकर खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित करने वाले कौन हैं? तो दोस्तों वेनेजुएला में हाल ही में जुआन गुआडो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न आपको परीक्षा उपयोगी लगे हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।